Yo, what's up, everybody? This is Mr. Alizaib, and मैं आया था सून केसर, so उसके लिए आज का vlog. Another travel vlog और सून केसर अरशद के गांव जाके पता लगेगा कैसा. It's time to go now. सब लड़के आ चुके हैं. रास्ते में एक स्टॉप पे रुके हैं, थोड़ा काम था, और इसके बाद अब हम मोटरवे और मोटरवे से सीधा सोच के सर अरशद और जैन लोग के साथ मिलेंगे. कलर का हर इंटरचेंज पे थोड़ी देर के लिए स्टे किया है, रेस्ट एरिया पे. अब उसके बाद जैन लोग का वेट है यहाँ पे, बाजिक जैन अरशद, फिर आगे जाएंगे हम. पीछे पहाड़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे कोई फार्म हाउस बना रहे हैं, और ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है शालीमार हिल फार्म्स कमिंग सून. तो पता नहीं क्या बांध रहे हैं, कोई फार्म ही बांध रहे हैं. जैन बाजी गर्शर तीनों पहुँच चुके हैं, और अब बस हमने निकलना है, यहाँ से रवाना होना है. रास्ते में पेट्रोल पम्प पर रुके हैं खाने के लिए, और बहुत ज़बरदस्त जगह, बारिश हो रही है, मौसम कमाल है, और इर्द गिर्द भी बहुत 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 अच्छा व्यू है. मतलब बहुत 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 अच्छा व्यू है. शायद पहली दफ़ा आया इस तरह के किसी पहाड़ी इलाके में, तो शायद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त लग रहा है, जैसे फिल्म देख रहा हूँ. फिल्मों में नहीं होते पहाड़, बस थोड़ा सा रियल हो गया, थोड़ा सा रियल हो गया. काफ़ी इंतज़ार के बाद जैन बाजिग शाहजेब और अरशद पहुंच चुके हैं. शाहजेब तो मेरे साथ था, अरशद दूसरी गाड़ी पे था. अरशद का गांव जाम जा रहे हैं, और नो आइडिया अभी तक कैसा होगा. दो तीन झीलें हैं जो वहां पे हमने देखनी है, और उसके बाद वडेरे की वापसी. आज नहीं कल, दो दिन का टूर है. रिव्यू और हम तकवीम से पूछेंगे कैसा रहा आपका खाना. क्या बहुत मज़ा आया खाना खाने का, बहुत मज़ा आया. तकी के बारे में मैं बता दूँ, आप बताओ. दिल की बात तो अरशद भाई ने बता ही दी है, अब बता के फायदा. बाजी क्या खाना कैसा था? हाँ बाजी अच्छा था खाना यार, इनका खाना बहुत मज़ेदार है, बिलीव मी. हमने चिकन तो वैसे ही, लेकिन ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त था. कढ़ाई सजेस्टेड. अभी हम लोग पहुँचे हैं पथराड़, पथराड़ से हम लोग सीधा भी जाएंगे उछाली. उछाली में ज़्यादा आधे घंटे का स्टे है, उसके बाद हम लोग जाएंगे घर. घर फिर जाके डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है. माई वजी ढेरी जिधर भी हुआ. ओके जगह बड़ी खूबसूरत है, और उन्होंने प्रॉपर मैनेज किया हुआ है. बेंच लगे हुए हैं, और साइड पे झील का व्यू है सारा. सजेस्टेड, मैं अभी आपको दिखाता हूँ. मस्त जगह है, मस्त साफ है. इधर गंद नहीं जैसे बाकी झीलों में गंद होता है, टोटली क्लियर. और आई विल सजेस्ट कि आए सब, मेरे कहने से नहीं आना तो ना आए, लेकिन जगह देखने के लिए बड़ी अच्छी है. पीछे रक्षे पे उन्होंने म्यूजिक लगाया, और जबरदस्त किस्म का डांस चल रहा है. जबरदस्त था, पता नहीं. अगर आपने बोर्ड पे पहना है तो उसके लिए जो इन्होंने जगह बनाई है, ये पीछे बोर्ड्स रखी हुई हैं, और ऊपर से ही उसके ऊपर से जाना होता है. रेट 100 रुपीज पर पर्सन. ये आप रास्ता देख सकते हैं जिस पे चल रहा है, और ये गिरने लगा था. इस टाइम मैं खबिकी झील पे हूँ, और चारों तरफ पहाड़ है, दरमियान में झील है. सून के साथ जाते हुए ये जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है. और उसके अलावा यहाँ पे गंद कोई नहीं है फिलहाल. यहाँ पे ना कश्ती का वो पूरा एक राउंड लगवाते हैं, 100 रुपीज पर पर्सन है. तो हम उम्मीद है ये ट्राई करेंगे. अभी उनका वेट हो रहा है, ऑलरेडी ये कश्ती गई हुई है, वो आएगी तो फिर बात होगी. ये जगह अड़ी जुड़ी है, यहाँ पे आप गिर सकते हैं. Right done.
यार कमाल जगह है अरशद, मजा आ गया यकीन मान यार। सॉरी अरशद, जो रास्ते में हमने तो ऐसा मजाक किया है। पहाड़ नजर आ रहे हैं अली, और पहाड़ दिखाऊंगा आपको। खबिक्की झील से फ्री हो गए हैं, बड़ी जबरदस्त जगह थी, और अब हम जा रहे हैं माई की ढेरी। लेट्स सी हाउ इज दैट प्लेस। एक पूरे पहाड़ के ऊपर चढ़ के आए हैं, और अब ये देखें, बाकी हमने वो ऊपर कॉर्नर पे अगर आप देखें तो आपको दरबार नजर आएगा वहां पे। अब हमने जाना है पैदल, बहुत ज्यादा पतली जगह। अगर आप पीछे देखें फुल बारीक, एक नजारा दिखाऊं, ये देखना, ये जगह जो पगडंडी सी है जिसपे हम चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। चढ़ना बहुत मुश्किल है, खतरनाक है, लेकिन वर्थ इट है। कमाल नजारा है। यो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर अलीज़ैब हसन, और मैं आया था सून सकेसर, सो उसके लिए आज का व्लॉग। ये है एक दरबार जहाँ पे मैं आया हूँ, और ये एक पहाड़ी के ऊपर है, और मुझे पता मैं किस तरह ऊपर चढ़ाऊँ। अगर आप इर्द गिर्द देखें तो ये दरबार शिव है, और इर्द गिर्द पूरे सून सकेसर नज़र आ रहा है। चढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन उतरना 5 गुना मुश्किल। दरबार शिव से होके अब हम वापस जाने हैं। ये इस पहाड़ी के ऊपर दरबार था, और आई नो कितनी मुश्किल से चढ़े और फिर वापस कैसे आए, क्योंकि इस तरह हाँ लास्ट बहुत मुश्किल था। लास्ट में समझ लें हम सीधा दीवार पे चढ़ के गए, और उतरना बहुत मुश्किल। ब्लॉग अच्छा बने या ना बने, मजा आ गया, बिलीव मी बहुत मजा आया ऊपर जाने का। वापस आने में डर था, लेकिन डर के आगे जीत है। डे टू, और आज हमने और कुछ जगहों पे जाना है। पहला दिन कंप्लीट हो गया, अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया। मेरे साथ अपना द क्वीन बच्चा पार्टी है। नाश्ते का वेट हो रहा है, हर्षा ने नाश्ता तैयार करवाया, जैसे ही वो आएगा नाश्ता डन, फिर हमने नेक्स्ट किसी और झील पे जाना है। पहाड़ को देख के लगता बड़ा आसान है, ऊपर बंदा चढ़ जाता है, वापसी पे नीचे देखें तो डर लगता है। ये सारा एरिया है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, आबादी है, ये नीचे कब्रिस्तान है सारा, और वो घर है जहाँ हम रुके थे। थक जाता बंदा, वो सामने माई की ढेरी है, यहाँ चढ़े थे वो तो बहुत ही ऊंची है। इस टाइम पहाड़ी के सबसे ऊपर हूँ, और ये पीछे सारा गांव है, ये गांव है। ये बैल है जिसका नाम है तालिबान, इसकी कीमत 1 करोड़ है, 1 करोड़। इसलिए नहीं कि ये बड़ा है या कोई, क्योंकि ये चलता किसी स्टाइल से, यही वजह रेसों में जीता हुआ है। ये बैल बहुत ज्यादा रेसें जीता, इसलिए इसकी कीमत 1 करोड़ है। ये लगे हुए कैक्टस, और अनार का सीड ये जैन ने उतार के खा लिया। अनार था जैन, दिखा यार मजेदार है, नहीं जरा ये बिकते हुए मैं देखे। ये है, ये मैं ट्राई करने लगा हूँ। ये कैक्टस लगे हुए हैं, इसके ऊपर लगाया, ये कह रहा है ये यहाँ पे लोग खाते हैं, और जैन कह रहा है मैंने बिकते हुए भी देखा, और मैं ट्राई करने लगा हूँ। लीव मी शाफर, खाने वाली चीज है, लेकिन इसके कांटा मेरे होंठ में चुभ गया। कैक्टस लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके ऊपर कोई फल या चीज़ें भी लगती हैं, अभी मैंने वो खाया है और उसके कांटे मेरे होंठ पे फंस गए। मज़ेदार था। इस टाइम उछाली झील पे हैं, और
मरघाबियाँ भी बैठी हुई हैं यहाँ पे सारी झील के अंदर, पीछे वो जगह गुजर गई है वो, वहाँ से बैक करके वो मुर्गाबी दिखा सकते हैं आप। ये सीज़न जो है ना मुर्गाबी का ज़्यादा दिसंबर में होता है, अब सीज़न ऑफ हो गया इसलिए मुर्गाबी यहाँ से जा रही हैं, अक्टूबर में फिर आ जाएंगे। अक्टूबर में टोटल यहाँ पे मुर्गाबी शिकार करते हैं, शिकार करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन शिकार पे अब पाबंदी है बहुत ज़्यादा। तो ये है उछाली झील और बहुत ज़बरदस्त जगह है, आई विल सजेस्ट विजिट दिस प्लेस। अगर इसके व्यूज़ दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसे हैं, बड़ी ज़बरदस्त जगह सुजेस्टेड। ये वादी ए सून सकेसर है और पहाड़ों के दरमियान में है, देखने वाली बहुत ज़्यादा जगह यहाँ पे। हम मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे बहुत कम आते हैं, कई वजूहत हैं, डेवलप्ड उस तरह से नहीं है टूरिज्म के लिए ये, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जो हो रही हैं और उस पर ज़्यादा काम चल रहा है। कई ऐसी जगह जो छुपी हुई हैं, लोगों को नहीं पता वहाँ पर जाना किस तरह, उन चश्मों के पास जाना है, क्योंकि जिसके साथ हम जा रहे हैं वो अरशद, उसका अपना गांव है, अबाई है, उन्हें डेफिनेटली इन जगहों का पता है। जो नज़ारा आंखें देख सकती हैं कैमरा कभी भी नहीं दिखा सकता, ये चीज़ वाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा। ओके जी, इस झील को देख लिया है, काफ़ी इंजॉय कर लिया, अब हम नेक्स्ट जाएंगे कनट्टी बाग और वो सुना है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह है, उधर जंगल भी है, चश्मा है, बहुत ज़बरदस्त है, सो लेट्स गो देयर। ओके जी, अब हम जाने लगे हैं कनट्टी बाग। कनट्टी गार्डन पहुंच गए हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, हर किस्म के यहाँ दरख्त हैं, फल लगे हुए हैं, लोकार्ट वगैरह, और चश्मे इधर बड़े खूबसूरत हैं। अभी तक एक ही नज़र आया ऊपर से जो नीचे आ रहा है, लेकिन जो बड़े चश्मे हैं वो आगे हैं, अभी वहाँ जा रहे हैं। ये पीछे चश्मे हैं और इसमें मछलियाँ साफ नजर आ रही हैं नीचे तैरती हुई, कैमरे पे नहीं आएंगी, आँखों को आएंगी, ज़्यादा मेगापिक्सल है आँखों का। अगर मैं आपको दिखा सकूँ जो यहाँ पर हैं मछलियाँ, लोगों के घर आ गए यार यहाँ पे, तो यहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद फिर एक कैंटीन है, वहाँ स्टे किया जा सकता है, फिर चश्मे पे जाने के लिए और ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है। तो अगर आप जगह देखें तो ये देख सकते हैं, ये नीचे कैंटीन एरिया है, पीछे जो है वो गहरी खाई है, उसके नीचे जाके चश्मा आएगा, ये जगह सारी नीचे जा रही है और गहरी है, इधर ध्यान से चलना पड़ता है। ये है वो चश्मा जो गिर रहा है यहाँ से नीचे जो दिखाना था, उसके अलावा आगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी जगह है, इसलिए आगे जाना, ये नीचे जगह बहुत ज़्यादा गहरी है, चश्मे के बिल्कुल नीचे जहाँ पे ये गिर रहा है ये जगह भी बहुत ज़्यादा गहरी है, मतलब इसका एंड नहीं आ रहा यहाँ से, आगे वाली साइड पे जो है वो भी बहुत ज़्यादा गहरी जगह है, उसका भी एंड नहीं नज़र आता, वो उस तरफ पीछे जहाँ पे लोग खड़े हैं ना उसके आगे, उसका भी एंड नहीं नज़र आता। तस्वीरों के लिए जैन लोग रुके हुए हैं पीछे, वो तस्वीरें ले रहे हैं, अब हमारी तो वापसी का टाइम हो गया। बेल चौक पे बिस्मिल्ला होटल है, वहाँ से अभी हम खाना खाने लगे हैं, उसके बाद सीधा घर।